नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। कंगाल पाकिस्तान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। पहले एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जो है उसको 3.4 बिलियन डॉलर देने से मना किया और अब उसके बाद एफएटीएफ ने उसको झटका दिया है। एफएटीएफ मतलब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को जो 27 सूत्रीय प्रोग्राम दिया था कि आपको इन इन बिंदुओं पर एक्शन लेना है, उसमें पाकिस्तान एक बार फिर से विफल साबित हुआ है। लिहाजा पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ गई है क्योंकि अब जो है एफएटीएफ उसको डाउनग्रेड करेगा और इसका असर होता है कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, चाहे आईएमएफ हो और चाहे ईयू हो, जो भी संस्थाएं उसको कर्ज वगैरह देती है और उसको सपोर्ट करती हैं, फाइनेंशियल मदद करती हैं, जब इस तरह से उसको एफएटीएफ डाउनग्रेड करेगा तो इससे सीधे उसकी साख पर असर पड़ता है और जो फिच, मूडीज वगैरह अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियाँ हैं वो उसकी रेटिंग को कम कर देंगी, फिर उसे कर्ज मिलना मुश्किल हो जाएगा। और अब एफएटीएफ ने जो एक्शन लिया है उसमें इसी तरह की बात आ रही है कि पाकिस्तान जो है कार्रवाई करने में नाकाम साबित हुआ है। उसे 27 सूत्रीय जो एजेंडा दिया गया था कि इन इन बिंदुओं पर काम करना है, उसमें क्या था इसको समझ लेते हैं। 27 में से 25 कार्रवाई बिंदुओं पर पाकिस्तान फेल हो गया। ये सभी कार्रवाई बिंदु पाकिस्तान को लश्कर और आतंकी संगठन जैसे जमात उद दावा, फलाह ए इंसानियत फाउंडेशन की जो आतंकी समूहों की फंडिंग की जांच करने के लिए दिए गए थे वो नहीं उसने कर पाया। लश्कर ए तैयबा है, जैश है, जमात है, इन सब पे उसको एक्शन करना था। इनके द्वारा संचालित स्कूल, मदरसे, क्लिनिक और एम्बुलेंस के लिए आवंटित 7 मिलियन अमेरिकी डॉलर में से कोई जांच शुरू नहीं हुई। यानी कि पाकिस्तान से ये कहा गया था कि जो जो इन्होंने इलाज के नाम पे या सेवा के नाम पे इन संस्थाओं ने जो को पैसा दिया गया था उसका कहाँ यूटिलाइजेशन हुआ इसकी जाँच करके बताइए, वो पाकिस्तान नहीं बता पाया है। और अब इसका नतीजा ये है कि अब उसे जो है फिर से एक बार ग्रे या ब्लैक लिस्ट में डाला जा सकता है। आपको बताएं कि 2018 में, अक्टूबर 2018 में जो है एफएटीएफ की जो बैठक हुई थी उसमें इसको ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया था। फिर पुलवामा आतंकी हमले के दौरान जो है फरवरी में बैठक हुई थी, भारत ने बताया पूरी परिस्थिति, उसके बाद फिर से उसको एक्सटेंड कर दिया गया था, यानी कि ग्रे लिस्ट को आगे बढ़ा दिया गया था। और अब संभावना ये है कि जिस तरह से वो एफएटीएफ द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करने में असफल साबित हुआ है उसके बाद उसे ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है। यदि उसको एफएटीएफ ने ब्लैक लिस्ट कर दिया तो मान के चलिए कि पाकिस्तान की समस्याएँ और बढ़ने वाली है, क्योंकि अभी तक तो एशियन जो डेवलपमेंट बैंक है उसने अभी 3.4 बिलियन डॉलर जो देना था उसके लिए मना किया कि बातचीत चल रही है, अभी उसको दिया नहीं गया है। और उसके पहले ही प्रधानमंत्री इमरान खान के आर्थिक सलाहकार ने जो है ट्वीट कर दिया, दो अधिकारियों ने बता दिया पूरे देश को, और इसका नतीजा ये हुआ कि वो बैंक के जो है अधिकारियों को आगे आकर के बताना पड़ा कि ऐसा कोई फंड अभी रिलीज नहीं किया गया है। और दूसरे ही दिन खबर आ रही कि एफएटीएफ जो है पाकिस्तान द्वारा आतंकियों के खिलाफ या आतंकी संगठनों के खिलाफ की गई कार्रवाई से एफएटीएफ संतुष्ट नहीं है और उसको ब्लैक लिस्ट कर सकता है या ग्रे लिस्ट को आगे बढ़ा सकता है। तो इस तरह से चारों तरफ से पाकिस्तान घिरा हुआ है, न तो उसे आर्थिक मदद मिल पा रही है, न आईएमएफ से अभी पैकेज मिल पाया है। कहा यह जा रहा है कि 6 बिलियन डॉलर का उसका पैकेज मंजूर जरूर हो गया है, लेकिन वो कब तक मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्योंकि आईएमएफ ने जो उसको कर्ज देने के लिए, बेल आउट पैकेज देने के लिए जो शर्तें रखी है उस शर्त के मुताबिक उसको अपने रिसोर्सेज से बहुत बड़ा अमाउंट जुटाना है, इसीलिए वहाँ पे के नागरिकों पे टैक्स लगाया गया है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल जो है पाकिस्तान बुरी तरह से घिरा हुआ है और उसे एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। जो भी इसमें और अपडेट मिलता है हम आपको अपडेट कराएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।